सिंधुदुर्ग के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने मांगी माफी, कहा सिर झुकाकर शिवाजी से माफी मांगता हूं। मुंबई में 76,000 करोड़ की लागत से बनने वाले वधावन बंदरगाह की प्रधानमंत्री मोदी ने रखी आधारशिला। सभी मौसम में काम करने वाला होगा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा पहला चरण। सिंधुदुर्ग से पहले मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री हुए शामिल। बोले, डिजिटल तरीके से लोगों को मिल रहा है सरकार के सैकड़ों स्कीम का फायदा। महाराष्ट्र में मोदी के दौरे के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ सहित कई कार्यकर्ता हिरासत में। कांग्रेस सिंधुदुर्ग मामले में प्रधानमंत्री मोदी की माफी की कर रही थी मांग। पीएम मोदी के विरोध में मुंबई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीकेसी में हाथों में काले झंडे लेकर इकट्ठा हुए थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। सिंधुदुर्ग के मालवन पहुंचे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। छत्रपति शिवाजी महाराज की खंडित मूर्ति वाली जगह का किया मुआयना। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में प्रतिमा गिरने के मामले में आरोपी चेतन पाटिल, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल का FIR में नाम था। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, सूत्रों के हवाले से खबर है। MLA जितेश अंतापुरकर का विधायक पद से इस्तीफा। जितेश के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस ने लगाया जोर। 5 सितंबर को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे महाराष्ट्र। सांगली में सभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा बीजेपी में टिकटों पर मंथन जारी। 1 सितंबर तक आएगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से मिलेगा टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लाडवा से नायब सिंह सैनी, अंबाला कैंट से अनिल विज लड़ेंगे चुनाव। शरद पवार में सुरक्षा लेने से शरद पवार ने इनकार कर दिया है। CRPF के जवानों को लौटाया वापस। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने बढ़ाई थी शरद पवार की सुरक्षा। बिहार की राजनीति का केंद्र बने प्रशांत किशोर का बड़ा वादा। कहा 15 साल से कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को देंगे 2000 महीना पेंशन। बीजेपी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा हमला। कहा अयोध्या में बीजेपी ने की मुनाफाखोरी। अयोध्या से बीजेपी का भावनात्मक नहीं भूनात्मक लगाव। अकाल तख्त साहिब ने लिया बड़ा फैसला। सुखबीर बादल को तनखैया घोषित किया। धर्म को नुकसान पहुंचाने पर घोषित किया जाता है तनखैया। भोपाल में मोहन सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास तक किया मार्च। सरकार विरोध लगाए नारे। फर्जी रजिस्ट्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर एक्शन में प्रवर्तन निदेशालय। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और असम में 18 जगहों पर ईडी की छापेमारी। हरियाणा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा पर ईडी का शिकंजा। 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। ईडी की कार्रवाई पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा ये पुराना मामला है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में SIT ने स्कूल के आरोपी प्रिंसिपल और दोनों ट्रस्टी को फरार घोषित किया। बार बार बुलाने पर भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे आरोपी। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर एक्शन की तैयारी। मदरसे को चलाने वाली सोसाइटी अंजुमन जामिया हबीबिया का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा रद्द। मदरसे पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। यूपी के सहारनपुर में सर्राफा व्यापारी नवीन ज्वेलर्स के घर पर ईडी की छापेमारी। सुबह से हरिप्रकाश मित्तल के घर पर ईडी दस्तावेजों को खंगाल रही है। कुछ महीने पहले हरिप्रकाश मित्तल बेटे के साथ धोखाधड़ी मामले में गए थे जेल। कोलकाता रेप मर्डर केस पर जारी है बवाल। आज बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने संभाला मोर्चा। ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष 14वें दिन पूछताछ के लिए CBI दफ्तर पहुंचे। अब तक 160 घंटे से ज्यादा की पूछताछ कर चुकी है CBI। वक्त संशोधन बिल पर दिल्ली में JPC की दूसरी बैठक जारी। अध्यक्ष जगदंबिका पाल, AIMIM के सांसद ओवैसी बैठक में शामिल। समिति ने वक्त कानून पर आम लोगों से मांगा है सुझाव। फोन नंबर और लोकसभा सचिवालय की वेबसाइट का लिंक भी जारी।
हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लगाए गंभीर आरोप, बोले मेरे घर के ऊपर ड्रोन उड़ाया जा रहा है, एसपी शिमला के आवास से उड़ाया जाता है ड्रोन, अधिकारियों को दी सीमा में रहने की नसीहत, जयराम ने विधानसभा में मुद्दा भी उठाया। झारखंड में हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल हुए रामदास सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई मंत्री पद की शपथ, चंपाई सोरेन की जगह मंत्री बने हैं, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं रामदास सोरेन। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस का कटाक्ष, मंत्री इरफान अंसारी बोले टाइगर चंपाई सोरेन को बीजेपी ने पिंजरे में किया कैद, अब उन पर चलाएगी हंटर। चिराग पासवान को आरजेडी का ऑफर, विधायक मुकेश रोशन ने कहा तेजस्वी के साथ आकर बिहार में करें काम, एलजेपी के सांसदों को तोड़ने में लगी है बीजेपी। पटना में अनुदान की मांग को लेकर शिक्षकों का प्रोटेस्ट, एमएलसी मदन मोहन झा के आवास का किया गया घेराव, 8 से 9 साल से शिक्षकों को नहीं मिला है अनुदान। शिमला में दिखा लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर, भरभराकर पहाड़ गिरा, मलबे की चपेट में आने से बची गाड़ी। कुपवाड़ा में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही, माछिल रिंग के पास पुल हुआ क्षतिग्रस्त, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। गुजरात के कच्छ में मांडवी इलाके में आर्मी ने कई लोगों का रेस्क्यू किया है, बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूबे, सेना के जवानों ने घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गुजरात के द्वारका में पिछले 5 दिनों में 20 से 35 इंच तक बारिश हो चुकी है, जगह जगह जलभराव के चलते अस्त व्यस्त हुआ लोगों का जीवन। बाढ़ बारिश से त्रस्त गुजरात में इंडियन आर्मी का ऑपरेशन जारी, नाव के जरिए किया जा रहा है पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू। यूपी के वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, गंगा किनारे सभी घाट पानी में डूबे, शमशान घाटों पर दाह संस्कार में दिक्कतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तालाब में मिला बड़ा मगरमच्छ, ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने पकड़ा, ट्रॉली पर लादकर साथ ले गई टीम। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चला ऑपरेशन जिंदगी, 2 नाविकों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया, तटरक्षक दल ने चलाया था यह अभियान। यूपी के बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी, आज सुबह से ही वन विभाग की टीम भेड़ियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है।